ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को अच्छा लगता है। मालकानगिरी जा रहे हैं, कालीबाड़ा मालकानगिरी। जब आई पूरा लगा कि मैं कोई एयरपोर्ट ही आई हूँ, और इंडिया क्या वर्ल्ड में भी ऐसा बस स्टैंड में नहीं देखी। एक देख लीजिए कितना बेहतरीन है, कितना अमेजिंग है ये लोग। आहार केंद्र का जा रहे जगदलपुर, कोरापुट, कोरापुट, दावणगिरी, जगन्नाथ एक्सप्रेस ले जा रहे हैं मलकानगिरी, उसका पोल लेना या देख सकते हैं। खीरो पुड़ो भी है और ये छेना पुड़ो प्राइस नहीं डालो 40 रुपये नंबर दीजिए। आवाज़ करो टीके पी यानी चक्रधरपुर चाय बता, टाइमिंग बता दो। 7:40 में खुलता है। 7:40 कोलकाता बाबूगढ़ कितने बजे पहुँचेगा? 5 बजे पहुँच जाएगा। 5 बजे जो वीक पैसेंजर है, जो बुजुर्ग है उनके लिए। ओके, ये कितना है प्लेट? खराब अच्छी स्लीपर का 800 नीचे 700। दिस इज पे नंबर 38। चावल है और दालमा है, खट्टा अचार है। कितना है प्राइस? कितना है? 5 रुपये। जोन फॉर द चाइल्ड, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो फीलिंग्स कैसा है इस बस स्टैंड के बारे में? बहुत अच्छा। मैं तो हर दिन आती हूँ। हर दिन आते हैं? हर दिन आती हूँ। ओके राइट ग्रेट। कोटागढ़ 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 23-24। 700 रुपया 700 ओनली दिल्ली से। बस स्टैंड तो बहुत अच्छा लगा। सुपर। ये वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग टुडे। आपके साथ मैं अनिर्बान, और फिलहाल अभी हम कहां पर पहुंच चुके हैं देख सकते हो। दिस इज़ बारामुंडा, बारामुंडा न्यू बस स्टैंड है। ये BSA BT, ये नया बस स्टैंड ओपन हुआ है, जस्ट 2-3 महीना हुआ है। तो आज के इस ब्लॉग में रहेगा इस नया बस स्टैंड का ईच एंड एवरी डिटेल्स, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं, काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ पूरा के पूरा जानकारी आज के इस ब्लॉग में रहेगा। करते हैं वन मोर एक्साइटिंग ब्लॉग फ्रॉम BSA BT यानी बारामुंडा नया बस स्टैंड से। यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज द एंट्री पॉइंट, यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो उसका बोर्ड लगा हुआ है। दिस इज द एग्जिट पॉइंट, ये रहा एग्जिट पॉइंट और ये रहा एंट्री पॉइंट। सो मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ इस बस स्टैंड पर। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट, और आपको पहले ही आपको चेकिंग करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो आप मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर 24 आवर्स होता है चेकिंग, 24 आवर्स होता है चेकिंग, 24 आवर्स। तो भाई साहब लुक एट दिस बिल्डिंग हियर इन BSA BT, क्या लग रहा है भाई साहब, कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका लुक दिया गया है। आप देख सकते हो एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तो यहाँ पर ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहे हैं एज ए बस पैसेंजर, थोड़ा सा उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। मैडम गुड इवनिंग, पहले आपका नाम बता दीजिए। पुष्पांजलि खंडायत्रा। थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। पुष्पांजलि खंडायत्रा। ओके, और आप? सरिता जेना। ओके थैंक यू। जो बॉस के बारे में पूछूंगा, थोड़ा सा जोर से। जो बॉस के बारे में पूछूंगा वो हमको हेल्प करेंगे। बॉस मतलब कहाँ से? हाँ मतलब बॉस कहाँ से लगा है, मतलब कौन सा जिला में हम जाएंगे, वो सब हम उनको बताएंगे, हेल्प करेंगे। मतलब टॉयलेट कहाँ पर है, आहार केंद्र कहाँ पर है, वो सब। जैसे एक वो पैसेंजर आया है, वो पूछ रहे हैं ढेंकनल का बस कितना बे नंबर से खुलेगी? 40 नंबर बे नंबर दीजिए। चलो, सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगा इन्फॉर्मेशन, कौन सी बस में से कौन सी बस जा रहे हैं टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। यानी उड़ीसा एक बड़ा स्टेट है, और यहाँ पर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट इंटर स्टेट में बस सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है। और गाइड करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। हाँ
क्या 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 है इसके अंदर बोलिए। हमारा अमरी हॉस्पिटल है, इमरजेंसी केस के लिए, इमरजेंसी केस के लिए। अच्छा, और हर चीज़ की सुविधा है कि हमारा कोई हैंडीकैप के आते हैं तो उनके लिए व्हीलचेयर वगैरह हाँ, ये तो के लिए जो वीक पैसेंजर है, जो बुजुर्ग है उनके लिए। ओके, ये फ्री आपका सर्विस है तो फ्री में तो है। हाँ, फ्री में तो ओके ओके ठीक है। थैंक यू, आपने बहुमूल्य जानकारी दी, मेनी मेनी थैंक्स आप दोनों को। ओके, आप देख सकते हो फॉर एल्डरली पीपल जैसे रेलवे स्टेशन पे रहता है, सेम तरह का ये फैसिलिटी यहाँ पर BSBT में मिल रहा है। चेकिंग चल रहा है, आप देख सकते हो। और फिलहाल दिस इज़ द डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरिजिन, डेस्टिनेशन, पे नंबर, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, एवरीथिंग एज इन डिस्प्ले हियर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है, ऑरिजिन है पूरी, डेस्टिनेशन है कोंटाई, उसका पे नंबर आप देख लीजिए, आपका डिफरेंट डेस्टिनेशन में पे नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, एवरीथिंग डिटेल्स, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और स्टेटस जिला है कि नहीं है। फिलहाल तो ये पूरा ऑन टाइम दिख रहा है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो पूरी मसा कैंटीन, भुवनेश्वर कैटर, जयपुर, टिडलागर, एवरी। तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बहुत ही ग्रेट फीचर है। तो BSBT वेलनेस सेंटर राइट साइड में है, जहाँ एंट्रेंस का स्टेयरकेस भी है, राइट साइड में है टॉयलेट, दोनों तो एक तरफ है, राइट साइड दिख रहा है, पास में नीचे की तरफ है, देख सकते हो आर केंद्र हमारा राइट साइड में है, लिफ्ट भी इस तरफ है, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं अभी। स्टेयरकेस, ओह ग्रेट फीचर है भाई साहब, इस बस स्टैंड का ग्रेट फीचर है, अमेजिंग। ओके, दिस इज द वेलनेस सेंटर, आप देख सकते हो, ये ऑब्वियसली ग्रेट फीचर है कि कभी भी इमरजेंसी आ सकते हैं, कभी भी कोई भी पैसेंजर कभी किसी भी हालत में उसका इलनेस आ सकता है, सो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन फीचर इस बस स्टैंड पर। टाइमिंग, सो भाई साहब इसका टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, मैं मैडम से पूछ रहा था, सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रात का, यानी 13-14 घंटे का सर्विस है, ये बहुत ही ग्रेट फीचर है, अमेजिंग फीचर है यहाँ पर। अगर अनजाने में किसी भी हालत में अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो इसके लिए फास्ट एड देने वाला, ये बहुत एक बेहतरीन काउंटर, बेहतरीन लग रहा है। लग रहा है ये बस स्टैंड, बोलो मस्त, आप कहाँ से? अंदर जबरदस्त, कहाँ से? कंधमाल से। कंधमाल से यहाँ पर मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। हाँ, तो मेरे को फिलहाल देखने को मिला है। हाँ, मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हुआ हूँ, इतना मतलब मस्त लग रहा है, एक उड़ीसा का प्राइड है। हाँ, एंड भाई साहब ये रहा बाबा साहब अम्बेडकर का गैलरी, यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट उसका अमेजिंग वर्क का डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पर एक्सट्रीमली ग्रेट फीचर, यहाँ पर वेरी स्पेशल वन फ्रॉम द उड़ीसा गवर्नमेंट। उनका लाइफ स्टाइल, उनका जीवन शैली पूरा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, आप देख सकते हो, सो ग्रेट ग्रेट एब्सोल्युटली ग्रेट। सो यहाँ पर सेल्फी का धूम लगा हुआ है, आप देख सकते हो हर एक पैसेंजर सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पर। सो आहार केंद्र इसका बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज चेंज टॉयलेट यहाँ पर है, एंड ये रहा लेडीज टॉयलेट यहाँ पर है, सो एवरी फैसिलिटी इज देयर। और फिलहाल ये देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, आपको राइट साइड जाना है, सो दिस इज द मेन एंट्रेंस, यहाँ से सीधा आ जाइए लेफ्ट साइड में और यहाँ से फिर राइट साइड, तो ये रहा आहार केंद्र जाने का रास्ता। इसका महल ही अलग है भाई साहब, इफ यू आर ए बस लवर दिस इज द प्लेस यू हैव टू कम, जस्ट यहाँ पर आधा घंटा बिताइए आपको दिल खुश हो जाएगा भाई साहब इस बस स्टैंड पर आके।
भाई साहब यहाँ पर भी डिस्प्ले बोर्ड आप देख सकते हो, बस अपकमिंग शेड्यूल नंबर दिस अराइवल टाइम, दिस डिपार्चर टाइम और ऑन टाइम है कि नहीं, सो ग्रेट फीचर एब्सोल्युटली, फीलिंग लाइक एयरपोर्ट। एक्सक्यूज मी, कितने बजे ओपन होता है मॉर्निंग में? मॉर्निंग कितने बजे ओपन होता है आपका ये काउंटर? 8 बजे। 8 बजे। और कितने बजे तक चलता है दिन में? क्या बोला? कितने बजे तक ओपन रहता है? रात 9 बजे तक। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है। आप किस बस स्टैंड के बारे में? पहली बार जब आई पूरा लगा कि मैं कोई एयरपोर्ट ही आई हूँ, और इंडिया क्या वर्ल्ड में भी ऐसा बस स्टैंड में नहीं देखी हूँ। एकदम लाजवाब बनाया है। और यहाँ का खाना मैं खा के फिर से आई हूँ। थैंक यू। तुमको कैसे लगा? हाय करो, हाय करो, हाय बोलो। हम ब्रह्मपुर। ठीक है, थैंक यू। भाई साहब इसका अंदर का डेकोरेशन भी देख लीजिए, कितना लाजवाब है भाई साहब, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो यहाँ पर आप छोटा मोटा अपना गिफ्ट आइटम भी यहाँ से खरीद सकते हो, दिस इज ओवर मस्त, आप देख सकते हो ये पर क्या क्या मिल रहा है भाई साहब। या This is the must one, you must have to take everyone if you are come in Odisha in Puri. Jagannath, Jai Jagannath. Wo kya kya hai special? Wo na anhamnal. Uska price kitna hai? 99 hai. Okay, right. Aap dekh sakte ho ki raha millet shakti ka piece ka joint venture of Odisha Millet Mission and Mission Shakti. So kya kya mil raha hai bhai saab? तो मिले आइटम आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जबरदस्त। आपका काउंटर कितने बजे ओपन होता है मैम? 2 मिलेट का क्या स्पेशल आइटम है यहाँ का? खास आइटम कौन सी है ये वाला? क्या है? नूडल्स। ओके, ये है नूडल्स, आप देख सकते हो। एंड ये क्या है? दिस व्हाट? बड़ा। बड़ा ये मिलेट से बना हुआ है। हाँ। ओके, इसका प्राइस कितना बोलो? 10 रुपये। 10 रुपये। और ये वाला? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ प्लेट है। ये वाला क्या है? चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा। ये कितना है प्लेट? प्लेट 106 पीसेस आता है। ओके, राइट। ठीक है, थैंक यू। एंड ये स्वीट से ना? हाँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ये पोड़ो पीठा है, खीरो पोड़ो पीठा है, और ये छेना पोड़ो। इसका प्राइस बोल दीजिए ना। इसका पर पीस 30 रुपीज। पोड़ो पीठा जी। एंड नेक्स्ट वन? नेक्स्ट ये छेना पोड़ो सर। छेना पोड़ा बहुत फेमस है उड़ीसा में। जी जी। छेना पोड़ो कितना केजी है यहाँ पर? छेना पोड़ो सर यहाँ पर तो वो मिलेट से बना हुआ है, 500 पर केजी। 500 पर केजी। ओके, राइट। आपको कैसा लगा मैम ये बस स्टैंड? अच्छा। कैसा आपका एक्सपीरियंस, कैसा है फीलिंग्स, कैसा है इस बस स्टैंड के बारे में? बहुत अच्छा, मैं तो हर दिन आती हूँ। हर दिन आते हैं। ओके, राइट, ग्रेट ग्रेट। दिस इज उत्कल अरोमा, आप देख सकते हो बोर्ड में ये रहा। ओके, समोसा लग रहा है, मिल रहा है यहाँ पर भाई साहब। और यहाँ पर बिरयानी मिल रहा है भाई साहब, वेज बिरयानी 100, एग बिरयानी 120, चिकन बिरयानी 150 रहा बिरयानी। इधर भी पैटिस वगैरह मिल रहा है भाई साहब, केक वगैरह स्टॉल में। पैसेंजर बस पैसेंजर अपना अपना नाश्ता लेते हुए इवनिंग में आप देख सकते हो। ये फीलिंग्स है भाई साहब, ये वाइब्स है एयरपोर्ट वाली, मैं तो जरूर कहूँगा। और आज की ये ब्लॉग कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए, और ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। ऐसे ही फैशन रिलेटेड ब्लॉग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हम कल लेकर आएंगे, दिस माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ये रहा आहार केंद्र, आप देख सकते हो। ओह क्या,
just look at this Harkendro here in BSA Beauty. Absolutely amazing. Great, great. भाई साहब एब्सोल्युटली लाजवाब यह हरकेंद्र है भाई साहब। जैसे लगता है लुक देख लीजिए कितना बेहतरीन है, कितना अमेजिंग है ये लुक आहार केंद्र का। तो टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर, डिस्प्ले हो रहा है बट सो ये सामने ओपन होगा मेरे ख्याल से, आप देख सकते हो बिग स्क्रीन में टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। सो और यहाँ पर सब पैसेंजर भी वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। सो ये कितने बजे ओपन होगा शाम में मैम, इवनिंग में कितने बजे ओपन होगा आहार केंद्र? 11 बजे नहीं, शाम में, इवनिंग में? नहीं नहीं, शाम में, सुबह में 11 बजे ओपन होता है और इवनिंग में अभी शाम में 7 बजे से। 7 बजे से कितने बजे तक? टिकट जितने बजे तक निकलता है उतने बजे तक। अच्छा, क्या क्या खाना मिल रहा है आहार केंद्र में आपके यहाँ पर? चावल है और दालमा है, खट्टा अचार है। कितना है प्राइस, कितना है? 5 रुपये। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव जोन फॉर द चाइल्ड, आप देख सकते हो। सो बहुत ही बेहतरीन बनाया है ये प्लेग्राउंड, आप देख सकते हो। जबरदस्त आपका टाइम पास हो जाएगा यहाँ पर अगर आपके साथ किड्स है तो, एब्सोल्युटली बेहतरीन लग रहा है। सो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर द चाइल्ड, फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर द किड्स, एब्सोल्युटली। उसका टाइम तो बिल्कुल ही यहाँ पर बीत जाएगा उसका बस डिपार्चर होने तक। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस और यहाँ से एकदम स्ट्रेट आ जाइए आपको मीडिया का, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बीएसए बेटी, यानी कौन सी बेस है, कौन सी बस कहाँ के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। इसमें बे नंबर भी मेंशन है, डेज मेंशन है, डेस्टिनेशन मेंशन है। तो आप देख लीजिए 11 से बे स्टार्ट है, 11 से 43 तक है, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो जैसे आप देख लीजिए 11-12 यानी कॉलेज यू कैन गेट द बस का क्वार्टर 11-12 में डे बस, जिसका दो टाइम में इसको डिवाइड किया गया, दिस नाइट बस और दिस डे बस। अब डे बस में, अब डे टाइम में आपको कहाँ का बस मिलेगा आप देख लीजिए, यहाँ पर 11-12 से ऑनली क्वार्टर का मिलेगा। सेम अगर नाइट में जाएंगे 11-12, 13-14 में आपको मिल जाएगा राउरकेला, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, गोंदिया, गुजराज नगर, राजबंगपुर, ट्रांसवाल, आई वी थर्मल, कामार, डिफरेंट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन इन उड़ीसा, संबलपुर। सेम लाइक 1550 नाइट बस कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप देख लीजिए, सेम लाइक नाइट बस भाई साहब, बे नंबर 1516 से जा रहा है देख लीजिए, देवगढ़, पुणे, बारकट, राजा मुंडे जा रहे हैं भाई साहब, और 17-21 कहाँ कहाँ मिलेगा देख लीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में। दिस इज डे नंबर 17, 18, 19, 20, 21, ये 4 डे में ये बस आपको मिलेगा। दिस इज ये 4 डे 11 से 14 यहाँ पर जो बस आपको मिलेगा नाइट में। दिस इज 15-16 इसमें नाइट सर्विस देख लीजिए भाई सर। ये 22 से 26 दिस इज 22 to 26 ये नाइट में आपको बलंगी, टिकलागढ़, बेलगांव, रामपुर, डिफरेंट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन, भवानीपटना, उमरकोट ये जा रहा है नाइट में। और ये है 27 to 31 ये जा रहा है धर्मपुर, पालोका, चिलिका, छत्रपुर, डिफरेंट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन। ये भी 32 to 37 दिस इज 32 ये 37 ये नेक्स्ट ऑफ दिस बस भाई साहब, कोडिया, बोरम, जोड़ा, करबिल, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन। 32 to 37 एंड लास्ट वन दिस इज 38 to 41 दिस इज 38 to 41 यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप, नाइट बस 38 से 41 तक, 41 तक ये जा रहा है भाई साहब, दीघा से लेकर कोलकाता यानी बंगाल, बेलदा,
मोहनपुर एगरा यानी वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है भाई साहब 38-39 वेस्ट बंगाल 38-39 इंटर स्टेट चलेगा पूरा हफ्ते तोड़ बार रायपुर जिला स्पेशल फूल पे नंबर 41 एंड ऊपर का This is emergency for long road, long distance, Jaipur, Korapur, Malkangiri. This is the daytime service here. Now, see, this is Jaipur, Korapur, Malkangiri, way number 42 and 43. So, ये रहा the most valuable information from this bus stand. कौन सी बस से कौन सी बस जा रहे उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है. ये रहा बस पे जाने का रास्ता. आप देख सकते हो ये रोड सीधा जा रहा है बस पे की तरफ. डिफरेंट काइंड पैसेंजर्स आ रहे हैं अपना बस में आपको पकड़ने के लिए. तो यह भी ग्रेट डिस्प्ले हुआ है भाई साहब. दिस लुक एट दिस 1874 से स्टार्ट होकर प्रेजेंट देख सकते हो. दिस इज प्राइवेट बस एडवांस टिकट बुकिंग काउंटर मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया गया. आप देख सकते हो मोबाइल नंबर देख लीजिए भाई साहब मोबाइल नंबर. ये काउंटर कितने बजे ओपन होता है सुबह में? 6 बजे. सुबह 6 बजे. रात में कितने बजे तक ओपन रहता है? 10:30 बजे. 10:30 बजे. यहाँ से कहाँ कहाँ का टिकट मिल रहा है? ऑल ओडिशा. ऑल ओनली ऑल ओडिशा यानी इंटरस्टेट. इंटरस्टेट भी होता है कलकत्ता रांची. अच्छा और विशाखापट्टनम होता है हैदराबाद होता है. भाई साहब बैक टू बैक बस है ये जा रहा है दीघा बॉर्डर देख सकते हो. ग्रेट ग्रेट एब्सोल्युटली ग्रेट. सो भाई ये रहा फीडिंग रूम इस बस स्टैंड पर आप देख लीजिए. यहाँ पर बच्चे को खाना खिला सकते हैं फीडिंग रूम में. बहुत ही ग्रेट फीचर है. और फिलहाल इधर भी आप वेटिंग लाउंज आप देख लीजिए. यहाँ पर कितना सारा बस पैसेंजर यहाँ पर वेट कर रहे हैं. जैसे लुक एट दिस सब आप यहाँ पर डिस्कशन में जाने के लिए वेट कर रहे हैं. आप देख लीजिए यहाँ पर दे आर ऑल वेटिंग फॉर देयर बसेस इन दिस बस स्टैंड पर देख सकते हो. यहाँ पर भाई साहब ये रहा OSRTC काउंटर एकदम ग्राउंड फ्लोर में है. ये काउंटर OSRTC का आप देख लीजिए जहाँ पर आप ऑफलाइन तो टिकट बुक ही कर सकते हो और ऑनलाइन टिकट भी यहाँ से हो जाएगा. दिस इज दादा नमस्ते गुड इवनिंग. सुबह कितने बजे ओपन होता है? 8:30. और रात में कितने बजे तक ओपन रहता है? 11 बजे तक. कोई ऑफलाइन बुकिंग नंबर है आपका? ऑफलाइन नंबर मोबाइल नंबर जिनमें कॉल करके बुक कर सकते हैं टिकट थोड़ा बोलिए ना वो नंबर. 1-8-9-5 6-7-2-5 ओके एक ही नंबर है. नंबर ये नंबर पे कॉल करने से हो जाएगा टिकट बुकिंग हो जाएगा वैसा किसी का? हाँ. और एक बार बोल दीजिए प्लीज. 1-8-9-5-6-7-2-5 सफाई का काम भी हो रहा है भाई साहब. और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं बस बे पर. आप देख सकते हो इस बस बे हो रहा है ये जा रहा है कटक
देख लीजिए, दिस इज पे नंबर 11, देख लीजिए दिस इज पे नंबर 11, जो डिस्प्ले जो ऊपर में जो डिस्प्ले में था वो सेम पे से जा रहा है बस। पूरी 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 कौन सी वाला जा रहा है, पूरी पूरी कौन सी वाला जा रहा है, पूरी लास्ट बस, इसके बाद में आप नहीं पूरी का। एसी में 100 रुपये, एसी में 100 रुपये, नॉन एसी में 80 रुपये। कौन सी डे में लगता है पूरी के बाद? 13 नंबर 14 नंबर 13-14 हमें सब कुछ ये भी जा रहा है, श्री दुर्गा देख लीजिए पूरी जा रहा है भाई साहब, और ये भी जा रहा है, ये जा रहा है झट्टू दुर्गा। झट्टू दुर्गा का भाड़ा कितना है? 800। कितना भाड़ा है झट्टू दुर्गा का? 550। 550 टाइम खोलेगा, अभी तुरंत खुल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर बस एक से बढ़कर एक बस लगा हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन में जा रहे हैं भाई साहब, आप देख सकते हो ये बस भी लगा हुआ है, जिसमें श्री राम सर। ये बस कहाँ जा रहे हैं? ये बस कहाँ जा रहे हैं? ये बस जा रही है कोटागढ़, कोटागढ़ फुलवनी, फुलवनी जा रहा है ये बस जा रहे हैं कोटागढ़ फुलवनी। JGS वाह ये बस लग रहा है, आप देख सकते हो दिस इज पे नंबर ये बस कहाँ जा रहे हैं? बोरमपुर कुपर। ये बस कहाँ जा रहे हैं? बलांगीर। बलांगीर जाना है। बलांगीर हाँ। कितने बजे पहुंचेगा सुबह बलंगीर? 5:30 बजे। कितने किलोमीटर है डिस्टेंस यहाँ से? 350 किलोमीटर। भाड़ा कितना है बलंगीर का? 500। और बी नंबर 22। 22 से खुलता है। टाइमिंग इसका खुलने का यहाँ से 7:30 बजे। एवरीडे सर्विस है, डेली सर्विस है, डेली लगा हुआ है भाई साहब, देख लीजिए ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? दादा नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं आपका बस? पूरी 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 जा रहा है, पूरी से आ रहा है, पूरी से आ रहा है, जा स्टेशन कहाँ है, कहाँ पर जा रहा है ये? अभी खड़िया रोड जाएंगे। खड़िया रोड कितने बजे पहुँचेगा कल? सुबह 7 बजे खड़िया रोड। ओके डेली सर्विस है यहाँ से? टाइमिंग खड़िया रोड का खुलने का टाइमिंग यहाँ से? यहाँ से अभी 7:20। तो भाई साहब ये बस स्टैंड का ब्लॉग कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए, और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ऐसे ही बस बस स्टैंड रिलेटेड ब्लॉग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया में लेकर आएंगे, माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ 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 अगर ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ प्लीज़। आप देख सकते हो पैसेंजर वेट कर रहे हैं भाई अपने स्टेशन में जाने के लिए, ये कहाँ जा रहा है भाई, जयपुर जाएगा। कैसे टाइमिंग वैसे टीसी का? 7 बजे। 7 बजे भाड़ा कितना है जयपुर का? 790 रुपया। 790। और सुबह कितने बजे पहुँचेंगे जयपुर? 7:30 होगा। सुबह 7:30 बजे। डेली सर्विस है, डेली डेली सर्विस। ये बस कहाँ से आ रहा है? कटक से आ रहा है। कटक से? कटक से टाइमिंग कितने बजे है? 6 बजे। 6 बजे कटक जो नया बस स्टैंड है वहाँ से ना? 6 बजे वहाँ से, और यहाँ से 7 बजे। थैंक यू। ये बस कहाँ जा रहा है आपका? रायगढ़ जाएगा। रायगढ़। रायगढ़ कितने बजे पहुँचेगा दादा? रायगढ़ बोलिए 5 बजे। सुबह 5 बजे। कितने किलोमीटर है यहाँ से रायगढ़ डिस्टेंस? रायगढ़ कटक टू 420 किलोमीटर। कटक कटक से कितने बजे खुला है ये बस? 6 बजे। 6 बजे और यहाँ से टाइमिंग? यहाँ से 7:30। 7:30 बजे रायगढ़। रोड कंडीशन कैसा है रायगढ़ का? रोड कंडीशन कैसा है? रोड कैसा है? रोड रास्ता भलो अछि ना खराब अछि? ना कंडीशन ठीक खराब भलो अछि ना खराब अछि कौन तू ना भलो अछि खराब अछि दोनों मिला के अछि? डेली सर्विस है? डेली डेली सर। भाड़ा कितना है रायगढ़ का? भाड़ा वो नहीं बता सकते, कंडक्टर बता। कंडक्टर दिस इज द फीलिंग्स लाइक एयरपोर्ट, मैं तो कह सकता हूं देखो यू कैन कैरी द लैग सेम लाइक एयरपोर्ट हियर, जैसे फास्ट ट्रेन पे सेम फैसिलिटीज मिल रहा है। गेट चलिए जा रहे हैं भाई साहब रिलायंस, ये जा रहे हैं मलकनगिरी, ये है रिलायंस का फल्गो। ग्रेट। उसके टाइमिंग कितना बजे है भैया?
8 बजे है। कितने बजे पहुँचते हैं मालकानगिरी? 7 बजे। 7 बजे कितने किलोमीटर डिस्टेंस है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। भाड़ा कितना है? 1250। 1250 एवरीडे सर्विस है मालकानगिरी। सबसे लॉन्गेस्ट रूट यही है ना भुवनेश्वर से? और क्या पुणे से चलता है ओएसआर टीसी का? ओडिशा होके जा रहा है। वो भी 700 किलोमीटर। वो भी है नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि 60 किलोमीटर है भुवनेश्वर से पूरी। इसका टाइमिंग, यहाँ से टाइमिंग खुलने का? 7:45। यहाँ से ही खुलता है या कोटक से खुलता है? यहाँ से बे नंबर 32 एवरीडे सर्विस है। एवरीडे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रहे हैं? सर मयूरभंज जा रहे हैं। ओके, आप इस बस में हैं? हाँ। इसका भाड़ा बता दीजिए मयूरभंज का। 450 रुपया। 450। टाइम कितना लगता है मयूरभंज पहुँचने में यहाँ से? यहाँ से टाइम 10 घंटा लगेगा। 8 घंटा टाइम लगेगा। 8 घंटा एवरीडे सर्विस, डेली सर्विस है। टाइमिंग यहाँ से खोलने का? 7:45। रांची TKP यानी चक्रधरपुर चाय बता। फील्डर देख लीजिए, इसका टाइमिंग कितना बजे है दादा? फील्डर का 7:30। 7:30 बजे भाड़ा कितना है रांची का? 700 रुपया। 700 रुपया 700 ओनली। डेली सर्विस, डेली सर्विस ऑनलाइन बुकिंग होता है रेड बस में? नहीं, कोई नोर रेड बस। ओके, और ये बे नंबर 35 से खुलता है? 7:45 टाइमिंग है। 7:30 बजे कितने किलोमीटर डिस्टेंस है रांची का यहाँ से भुवनेश्वर से? 520 किलोमीटर। कितने बजे पहुँचेगा सुबह? 6 बजे। 6 बजे पहुँचेंगे। रोड कंडीशन कैसा है रांची का यहाँ से? अच्छा है, ठीक है, थैंक यू। लगा हुआ है भाई साहब, देख लीजिए ये कहाँ जा रहा है। कह रहे हैं रांची टाटा। इसका मोबाइल नंबर, ऑफलाइन मोबाइल नंबर देख लीजिए। स्लीपर का 800, नीचे 700। स्लीपर का 800 रुपया, सीट नीचे 700। टाइमिंग यहाँ से खुलने का? यहाँ 7:20 बजे। 7:20 बजे एवरीडे सर्विस, डेली सर्विस है। डे नंबर कितना है? 36। 36 से खुलता है हमेशा रांची जाने वाली बात? 36 से खुलता है, ठीक है। बात का नाम क्या है? नील माधव। ओके, कोलकाता में चलता है ना नील माधव? हाँ वही है। रायरामपुर क्या रहा है? रायरामपुर। उसके टाइमिंग यहाँ से खोलने का? 7:30। 7:30 बजे भाड़ा बता दीजिए उनको। रायरामपुर का भाड़ा कितना है? 500 रुपया। 500 रुपया। कितने बजे पहुँचता है? 5:30 बजे सुबह। ओके, डेली सर्विस, ठीक। ऑफलाइन बुकिंग मोबाइल नंबर यही है? ऑफलाइन बुकिंग मोबाइल नंबर। भाई साहब ये है महापत्र पास, दिस इज पे नंबर 38। ये जा रहा है कोलकाता, देख लीजिए। ये जा रहा है कोलकाता। थोड़ा सा ड्राइवर साहब से बात करते हैं। भाई साहब, भैया नमस्ते। ये कोलकाता जा रहा है? कोलकाता जा रहा है तो? हाँ कोलकाता। ये से खुलने का टाइमिंग बता दो। 7:40 में खुलता है। 7:40 कोलकाता बाबूगढ़ कितने बजे पहुँचेगा? 5 बजे पहुँचेगा। 5 बजे, ओ ग्रेट ग्रेट। कितने किलोमीटर में भगाएंगे बस को? अभी तो जाम पड़ जाएगा, वो भुवनेश्वर टाउन कटक तक जाम पड़ जाएगा। उसका बाद धीरे 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 तो फाका हो गया, तो रास्ता में खाने के लिए रुकेगा आधा घंटा। डेली सर्विस है? डेली सर्विस। पे नंबर 38 35 से 39 तो लगता है कोलकाता का बस। कोलकाता जी। कितना बस सर्विस है कोलकाता के लिए? यहाँ तो कम से कम 30 बस चलता है। नॉन ए सी AC चलता है यहाँ से 30 नहीं, यहाँ से 20 और उड़ीसा से 30-40 चलता है। बहुत सारा बस। भाड़ा कितना है? भाड़ा यह गवर्नमेंट भाड़ा कोई देता है कम से 500 600 रहता है, ठीक है, थैंक यू। शिवम ये भी जा रहा है कोलकाता, आप देख लीजिए बाबूगढ़। टाइमिंग कितने बजे है? 7:15 में। भाड़ा बता दीजिए कोलकाता का? 400। डेली सर्विस? डेली सर्विस नॉन ए सी ना? नॉन ए सी। पे नंबर 39 40 से खुलता है? 40, ठीक है, थैंक यू। आप ये बस कहाँ जा रहे हैं दादा? ये बस कहाँ जा रहे हैं? धनेश्वर। हाँ
बालेश्वर। बालेश्वर भाड़ा कितना है बालेश्वर का यहाँ से? भाड़ा कितना है बालेश्वर का? कंडक्टर पूछो, कंडक्टर। ये जा रहा है प्री पार्टी भाई साहब। नवरंगपुर जा रहे हैं। ये वाला तो हाँ, टाइमिंग कितना है? टाइमिंग 7:45 7:45। कितना भाड़ा देना पड़ेगा? हम लोगों को 800 रुपया। कितना देना? 800 रुपया, ठीक है। कितने बजे पहुँचते हैं नवरंगपुर? ये 6:30 बजे तक पहुँच जाएगा। 6:30 बजे तक। ये बस स्टैंड कैसा लगा? क्या बोले, बस स्टैंड तो बहुत अच्छा लगा। सुपर, ये सुपर बस स्टैंड है। दुकान क्या है? और जिस नाम से ये बना है ये मात रखता है। हाँ, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को अच्छा लगता है। फैसिलिटीज यहाँ पर दिया है? बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया, सब बढ़िया है। हम तो पहले वाला जो हमारा सीएम है उन लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ग्रेट प्रोजेक्ट का ये किया के वो बाबा साहेब के नाम से बनाया गया है जो बस स्टैंड, हम लोग हमको अच्छा लगता है। जैसे हम भी दलित समाज का है तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर। भाई साहब ये नीलकंठेश्वर, आप देख लीजिए नीलकंठेश्वर और ट्रेन इसके इंटीरियर देख लीजिए। भाई साहब इंटीरियर दादा नमस्ते जी, लवली इंटीरियर है। ये कहाँ जा रहे हैं आपका ये बस? मालकानगिरी जा रहे हैं, कालीबाड़ा मालकानगिरी। मालकानगिरी एवरीडे सर्विस है? एवरीडे। कैसे टाइमिंग बता दीजिए डिपार्चर? यहाँ पे तो छोड़ता है 7:40। कितने बजे पहुँचते हैं मालकानगिरी? 8:30 बजे सुबह। 8:30 बजे किलोमीटर है यहाँ पे डिस्टेंस? 780 किलोमीटर होगा। 800 किलोमीटर तो अलग लेवल के कंफर्ट लेवल है भाई साहब। आपका ऑफलाइन बुकिंग मोबाइल नंबर बोल दीजिए। ऑफलाइन ऑफलाइन नंबर तो मेरा है ना, बोल दीजिए। स्टूडेंट मान लीजिए कोई अगर फोन करें, अगर कोई टिकट बुक करना चाहे इस बात में, तो 760-894-8013 इस नंबर पर कॉल करने से हो जाएगा। जी 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 जी। आपका नाम बोल दीजिए। जीत कुमार नाम है मेरा। ओके, थैंक यू। मेरा भी यूट्यूब चैनल है। ओके, ग्रेट ग्रेट, चलिए थैंक यू। पुंछ कोलकाता जा रहा है, ये जा रहा है कोटपैड, ये जा रहा है जगदलपुर, बुरीगवा, कोरापुट, दामनगिरी, अपडेट साइड टोल पी सी हिन्नाकुंडा जयपुर के लिए जा रहे हैं भाई साहब। और फिलहाल ये खड़ा है, दिस इज ऑरेंज न्यू कंटेस्टर 9600 बोल्वो। दिस इज अमेजिंग लुकिंग, एब्सोल्युटली लुक एट दिस गॉर्जियस बोल्वो, ये एब्सोल्युटली ऑरेंज, जबरदस्त लुक आ रहा है भाई साहब इस बात में। भाई साहब BSF BT का चार्जिंग पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पर हर कोई चार्ज कर रहा है मोबाइल। देख लीजिए भाई साहब, इसके बरकर एक बस जा रहे हैं अपने डिस्टिनेशन के लिए, आप देख सकते हो बैक टू बैक बसेस। जस्ट इसका बाहर से नज़ारा देखिए भाई साहब इस बस स्टैंड का। देख सकते हो गजब का लूट है इसका एकदम। इसे मार्केट का बहुत बहुत जमना देख सकते हो कि न्यू लॉन्च किया गया था उनका गाँव में, बेहतरीन उनका बेहतरीन लग्जरी इस बात में मिलेगा। यह है जमना एक्सप्रेस, कुछ भी बोर्डिंग कर रहे हैं कुछ आप देख सकते हो इस बात में। तो चैकिंग हो रहा है यहाँ पर। सो ये बस स्टैंड का ब्लॉक कैसा लगा BSF BT का जरूर उनका कमेंट करके बताइए। और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा बाय बाय फ्रॉम BSF BT।